हाय फ्रेंड्स, मैं आलोक कुमार आज आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सेल, जो एमएस एक्सेल जानते हैं, उसके कुछ ट्रिक। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं ऑल टेक्निकल सॉल्यूशन देवघर। तो जो भी मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखिएगा आप बोल सकते हैं, मैंने कि आपको इस बारे में बनाना है, आप इस बारे में वीडियो चाहिए, तो आप वो लिख करके हमको भेज सकते हैं, मैं उसको बनाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सेल के कुछ ट्रिक। चलिए देखते हैं, आइए कंप्यूटर स्क्रीन में हम लोग आते हैं। आप लोग देख रहे होंगे, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग नाम लिखते हैं, उसके बाद उसका एज लिखते हैं, फिर से नाम एज इस तरह करके फॉर्मेट में डाल देते हैं। तो होता क्या है, बाद में फिर बोलता है कि नहीं, हमको इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, हमको इस जगह नाम चाहिए, इस जगह एज चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, एक कॉपी करके पेस्ट करते हैं, कॉपी करके एक करके बहुत समय लगता है। अगर वैसा नहीं करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, वो तरीका हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ये करेंगे कि ये किस कॉलम में है। ठीक है, तो ये B3 में है। ठीक है, हम यहाँ B3 लिख देंगे। ठीक है, B3। ठीक है, ये कहाँ पर है, B4 में है, तो यहाँ पर लिख देंगे B4। ठीक है, इसमें सेकेंड वाले में ये दीपक कहाँ है, तो B5 में है, यहाँ पर B5 में लिखेंगे B5। ठीक, दूसरा वाला जो कॉलम है ये है B6, ये यहाँ पर लिखाएगा, तो B6। ठीक है, बस अब ज़्यादा हमें नहीं कुछ करना है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट कर लिए और इसको पकड़ के हम खींच देंगे। खींच दिए, खींचने के बाद अब हमको क्या करना है, अब इसको रिप्लेस करना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल एफ से फाइंड में जाते हैं, बगल में रिप्लेस का ऑप्शन है। ठीक है, इसमें टाइप करेंगे बी, जो मेरा बी है, और इज इक्वल टू बी, रिप्लेस में करेंगे ये। ठीक है, जैसे ही करेंगे इसको रिप्लेस ऑल कर देंगे। ठीक है, रिप्लेस ऑल करेंगे जैसे ही, देखिए मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, कोई कॉपी पेस्ट का हुज्जत नहीं, उतना लंबा चौड़ा हुज्जत नहीं किए। ये देखिए मेरा चेंज हो गया ना, इधर नाम आ गया, इधर एज आ गया उसका। चलिए, एक ट्रिक तो हम लोग ये सीख गए। दूसरा ट्रिक हम लोग सीखेंगे ये देखिए, ये दूसरा चीज है, जैसे मेरा चैनल का नाम यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये सेंटर में, और ये विदाउट मर्ज किया हुआ है, हम इसमें मर्ज भी नहीं किए हुए हैं, विदाउट मर्ज का देख रहे हैं, ये सेंटर पे है। जैसे अभी मैं यहाँ लिखा हूँ इसको मुझे इसका सेंटर में लाना है, तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको सेंटर में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है, तो इसको हमको सेंटर में लाना है, तो हम कैसे करेंगे, तो इसको सेंटर में लाने के लिए, ठीक है, तो पहले जहाँ तक एरिया तक हमको लेना है वहाँ तक उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट कर दिए। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हम इसमें Ctrl+1 दबाएंगे। ठीक है, Ctrl+1 में दबाएंगे तो ये
फॉर्मूला कॉलम जो आता है ऐसे कंट्रोल वन से आता है, नहीं तो आप दूसरे तरीका से राइट क्लिक मार करके भी आप कर सकते हैं, फॉर्मूला कॉलम को आप निकाल सकते हैं। जैसे सपोज दैट मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पर भी आप राइट क्लिक मारते तो यहाँ ठीक है ना, यहाँ से भी ये निकलता है। ठीक है, तो मैं शॉर्टकट की आपको बीच बीच में बता भी देता हूँ। ठीक है, इसमें हम लोग को जाना है इसके अंदर, ठीक है, अलाइनमेंट में। ठीक है, इसमें जाने के बाद हम लोग को इसमें जाना है। ठीक है, जाने के बाद यहाँ जनरल है, जनरल में जा करके हमको सिर्फ सेंटर एरिया सिलेक्शन में कर देना है और ओके कर देना है। ठीक है, देखिए सेंटर में हो गया, ये कोई भी मर्ज किया हुआ नहीं है, ये कॉलम मेरा कोई भी मर्ज किया हुआ कॉलम नहीं है, लेकिन ये सेंटर में आ गया मेरा, देख रहे हैं ना। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखे, दो चीज सीखे। ठीक है, एक तो ये चीज सीखे हैं जो कि अगर नाम अलग नाम है, अलग जगह एज अलग जगह है, उसको एक जगह कैसे लाएंगे उसके बारे में मैंने बताया। ठीक है, और दूसरा मैंने कोई भी बिना मर्ज किए हुए कैसे इसको सेंटर में लाते हैं उसके बारे में मैंने बताया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, तो हम लोगों ने दोनों ट्रिक को आज सीखा। इसी तरह मैं और अभी एक्सेल बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसलिए मैं कुछ पार्ट बाय पार्ट करके कर बताऊंगा, तभी आप लोग सीख पाइएगा। आज मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लेके आया था। ठीक है, तो बाद में हम लोग दूसरा ट्रिक के बारे में मैं बताऊंगा, उसको देखते हैं। ठीक है, और जो भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, इससे ये होगा कि आप लोग को मेरी नई वीडियो कोई आएगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उसे देख सकें। ठीक है, और कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और शेयर भी कर सकते हैं अपने नए फ्रेंड को, जिससे मेरा कुछ आप लोगों का प्यार ही है जो कि मैं इतना दूर तक पहुँचा हूँ और आगे पहुँचना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों का ही मोटिवेशन से मैं इतना दूर तक बढ़ पाया हूँ। ठीक है फ्रेंड, बाय।